बहुत दिनों बाद अक्सर मन किया कि मैं वीडियो बना लूँ। तो मैं अभी वृंदावन में हूँ, अपने होम टाउन में जहाँ पे मैं रहता हूँ, और फिलहाल मैं मोक्ष धाम आया हुआ हूँ। यहाँ आसपास का माहौल, ये परिक्रमा रास्ता मार्ग है, ये मार्ग जा रहा है, मिट्टी का बना हुआ परिक्रमा मार्ग है, और अभी फिलहाल मैं सामने हूँ। तो ये फ्रेंड्स बंसीगढ़ में पड़ता है, यहाँ से पीछे की तरफ इधर सुदामा कुटी है, और ये पीछे यमुना जी है, यहाँ पर कुंभ लगा हुआ था यार। अभी हम मोक्ष धाम के सामने, ये मोक्ष धाम है, ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है, यहाँ पर वृंदावन में आजकल इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज़ करते हैं मुर्दों को, और जो मरे हुए हैं उनको जलाने के लिए उनकी अंतिम स्थली बनाई गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी आ चुके हैं मोक्ष धाम के सामने, चलिए इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है मोक्ष धाम, जहाँ पर अगर आपके शरीर का अंतिम स्थित्व का समागम हो गया तो वेदों के अनुसार आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष धाम इसलिए भी रखा गया है, यहाँ पर प्राण त्याग कर श्री हरि के नाम पर अगर अपना समर्पण किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एक डोला है, जिस डोले में किसी महान आत्मा का डोला आया होगा, तो मैंने उसकी फुटेज बनाई कि आपको दिखा सकूं कि यहाँ पर मौत को भी कितने जश्न से मनाया जाता है, कितने सुख से, कितनी सुंदर तरीके से सजाकर उनका अंतिम सामोरक किया जाता है। इससे ये प्रतीत होता है कि ये पवित्र स्थल सिर्फ पवित्रता के ऊपर ही निर्भर नहीं, यहाँ पर प्रयोग होने वाले मन और आस्था पर जो विश्वास टिका हुआ है, उस विश्वास का लक्ष्य श्रीधाम वृंदावन पूरा करता है। इसी के साथ मैं यहाँ पास के जमुना तट को आपको निकट से दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पीछे आपको दिख रहा होगा ये मोक्ष धाम है, जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित होगा, और हम एकदम यमुना किनारे आ चुके हैं इस वक्त। तो आपको मालूम होगा कि वृंदावन में जो मान्यता है कि यहाँ पर अगर किसी जीव ने अपना प्राण त्यागा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो जीवन के उस चुंगल से मुक्त हो सकता है जिसमें बारंबार सिर्फ जन्म ही जन्म लेने पड़ते हैं और कर्म का फल भोगना पड़ता है, और इस अंतरिक्ष से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि कलयुग में भगवान के ऊपर ध्यान लगाने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो लोग लगा पाते हैं वो वृंदावन की शरण करते हैं, और वृंदावन में आके वास कर अपने अंतिम प्राण, अपने अंतिम सांस यहाँ हरे कृष्णा का नाम लेते हुए लेना चाहते हैं। ये वही मोक्ष धाम के पीछे हम लोग आ चुके हैं, जहाँ श्री यमुना महारानी का निवास है। पहले ये बहुत आगे हुई करती थी, पर धीरे धीरे उधर की तरफ सरकती जा रही है, क्योंकि बहुत कंस्ट्रक्शन और यमुना जी पर होने वाले ब्रिजों के कामों के वजह से ये पानी उधर सरकता हुआ जा रहा है। सरकार से इसकी भी निवेदन रहेगी कि आप एक बार हमारे यमुना माता रानी को देखें, उसकी हालत को सुधार करने पर विचार करें। सिर्फ मेला और कुंभ के समय एक बार साल में यमुना जी का स्मरण करके चले गए, 12 साल में उससे नहीं हो पाता। हमको रेगुलर अपने यमुना जी पर ध्यान देना चाहिए। और ये देख लीजिए आप, मेरे पीछे अभी मोक्ष धाम आ चुका है, और मैंने आपको अंदर से तो वीडियो दिखाई दी थी, मैं बस पीछे इसलिए लेकर आया था ताकि आप इस जगह को भी ना चूक पाए। यहाँ पीछे ऐसा पार्क सा है, बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, जमुना महारानी की जय। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं श्री जमुना महारानी के समक्ष। वेदों में इनको काल का बहन माना गया है, और कलयुग में यही सबके दोष पाप हर सकती है। ये मोक्ष धाम के पीछे है ये स्पॉट, और अभी आपको जूम करने पर मोक्ष धाम नजर आएगा। अति सुंदर, अति दुर्लभ।
यहाँ से दूर देवरा बाबा का मंदिर नजर आ रहा है, बहुत ही जाने माने तपस्वी बाबा देवरा। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी इनसे मुलाकात करने के लिए इसी जगह पर आए करते थे, क्योंकि हमारे वेदों में जिस जगह को मोक्ष धाम बताया गया है वो जगह सामान्य नहीं हो सकती। ना वहाँ के तपस्वी लोग, प्राणी जो भी इस धरती पर जन्म ले सकते हैं वो सामान्य तो किसी भी तरह से नहीं हो सकते हैं। कहा जाता है श्री वृंदावन धाम ही धरती के कलयुग वन में एकमात्र स्वर्ग का कण है, जिसमें अभी भी हमारे सनातन धर्म का पुष्ट और पूरे रूप से पालन होता है। बोलो राधे श्याम, हरे कृष्ण, हरे राम। सुंदर दृश्य। चलो अब थोड़ा बैठते हैं और यहाँ पर श्री यमुना मैया के दर्शन कर थोड़ी देर में अपनी वीडियो कंप्लीट और ब्लॉग कंप्लीट करके निकलते हैं। तो ब्लॉग बनाने का मन दोस्तों आज बहुत दिनों बाद कर गया मेरे को। मोटिवेशन की कमी कह लो या कमजोरी कह लो या कुछ भी कह लो, बट यह है कि मैंने फिर ठाना है कि मेरे को आज से ब्लॉग बनाने हैं और फिर यूट्यूब पे डालने हैं। फिलहाल मैं अपने होम टाउन में हूँ। लॉकडाउन से पहले जैसा कि अपडेट था कि मैं स्टारबक्स में काम कर रहा था, टाटा स्टारबक्स में सिर्फ सुपरवाइजर काम कर रहा था मैं। करीब 1 साल 3 महीने मैंने काम किया, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने वो जॉब स्किप कर दी और मैं होम टाउन वापस आ गया। 2-3 महीने में ऐसे ही खाली था, एक तरीके से डिप्रेस्ड भी था। फिर फ्यूचर की प्लानिंग और फैमिली पूरी बन चुकी है मेरी, तो उसके बारे में मैं सोच रहा था। इतना कुछ सोचने के बाद मैंने समझा कि मैं क्यों ना वृंदावन में हूँ, और जैसा कि आपको मालूम है मैंने हॉस्पिटलिटी किया हुआ है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स कम्प्लीटेड है मेरा। तो मैं वृंदावन के अलग अलग स्पॉट्स, यहाँ पर 5,000 मंदिर हैं, इतना कवर करने में करीब 2-2.5 साल लग जाएंगे। पहले इनको मैं कवर कर लूँ एक दिन, उसके बाद आगे की जर्नी देखेंगे। और आप लोग का सपोर्ट रहेगा ज़रूर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वृंदावन धाम का और कौन सा स्पॉट है जो आप अभी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, और उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूं। धन्यवाद। राधे राधे।